8 और 9 अक्टूबर को जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों में पावर शटडाउन रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि पावर को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की जानिब से भी अलग अलग स्टेटमेंट सामने आते रहे, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और ये कहा गया था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को पावर की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी पावर कट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी भी कई जगहों पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में भी जगह जगह पर बिजली का बहरान देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चीफ इंजीनियर JPDCL की जानिब से एक इंफॉर्मेशन जो है वो जारी की गई है, एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 8 और 9 अक्टूबर को जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाकों में पावर शटडाउन रहेगी। सबसे पहले हम बात करें मंडी, लोरन, जुलास, यहाँ पर जो है 8 अक्टूबर को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पावर शटडाउन रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, उसके बाद हम सीकॉप की बात करें, बीरपुर कॉम्प्लेक्स की बात करें, बड़ी ब्राह्मणा, पल्ली, कोठी मोड़, कैनाल रोड, सेवादा, शहजादपुर, गोमनासा, मढ़, गजनसू, करलूप, दतरियाल, मढ़बाग और इसके जो जितने भी एडज्वाइनिंग एरियाज हैं, यहाँ पर भी 8 अक्टूबर को पावर शटडाउन रहेगी। और टाइमिंग जो है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रखी गई है, यानी सुबह 6 से 10 बजे तक। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद पावर सप्लाई जो है वो नंदपुर, BSF, पिंडी, अदलिहार, बाबा चमलियाल और इसके जितने भी एडज्वाइनिंग एरियाज है, यहाँ पर भी 8 अक्टूबर को पावर शटडाउन रहेगी। और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर भी पावर शटडाउन रहेगी। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें MES सुजवा, यहाँ पर जो है 9 अक्टूबर को पावर शटडाउन रहेगी और टाइमिंग जो बताई गई है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बताई गई है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें सरथल, त्रिगाम, कंतवाड़ा, प्राबले, हमले, मड़मत और इसके जितने भी एडज्वाइनिंग एरियाज है, यहाँ पर भी 9 अक्टूबर को पावर शटडाउन रहेगी और 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ये पावर यहाँ पर भी शटडाउन रहेगी। यानी 2 दिन 8 और 9 अक्टूबर को जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाकों में जो है वो पावर शटडाउन रहने वाली है। नाम भी आपको जगहों के बता दिए, टाइमिंग भी बता दी। अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आज भी जम्मू और कश्मीर की आवाम को करना पड़ रहा है, खासकर हम बिजली की बात करें। हालांकि जम्मू और कश्मीर में अपने ही बहुत से पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बावजूद भी LG इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि बिजली को लेकर हम पर जो है वो 3,000 से 4,000 करोड़ तक का जो है वो कर्जा है। लेकिन ये बिजली कहाँ जाती है, जो जम्मू और कश्मीर में तैयार की जाती है, आप जानते हैं, आप इन सभी चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। उसके बावजूद भी अगर जम्मू और कश्मीर की आवाम को बिजली बहरान का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को इस बारे में सोचना होगा। और ये तमाम तर वो इलाके हैं जिनमें 8 और 9 अक्टूबर को जो है वो बिजली शटडाउन रहने वाली है। यानी टाइमिंग भी आपको बता दी कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये बिजली शटडाउन रहेगी, लेकिन रहेगी, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के भी कुछ इलाकों में जो है वो लगातार है बिजली का बहरान देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू में बात करें तो जम्मू में भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।